बूटी ठीक है जनाब। नमक और जवैन गंदम का आटा अच्छे से इसको मिक्स करना। इसी तरीके से गेहूं में धोया जाता है, मछली को साफ किया जाता है। पांच मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, अब इसको हम धो लेते हैं। इसी तरीके से सारी मछली को हम अच्छे से धो लेंगे। मछली को अच्छी तरह साफ करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले नमक, ये 1.5 किलो मछली है। उसके बाद जवैन जाएगी 2 चुटकी, रेड मिर्च, हल्दी 1/2 चम्मच, जीरा, खुश्क धनिया और सूखी हुई मिर्चें लाल, उनको हमने दरदरा सा कर लिया, ये भी इसमें थोड़ा सा जाएगा। दो लेमन जो है उनका रस शामिल किया। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से कर लें या चम्मच की मदद से। और अब इसे हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए तकरीबन, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फिश को 1/2 घंटा हो गया रखे हुए, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल फ्राई नहीं करना, हाफ फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। फ्राई कर लिया, अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जीरा, सुरख मिर्च सूखी हुई, अब शामिल करेंगे खुश्क धनिया, खुश्क धनिया और थोड़ी सी साथ ही काली मिर्च भी हमने शामिल की है, साबुत काली मिर्च। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज और इसको भी जो है ना हम अच्छे से कूट लेंगे।
प्याज को अच्छे से कूटने के बाद थोड़ा सा लहसुन भी इसमें जाएगा और अदरक भी जाएगा। इसको भी अच्छे से कूट लेंगे। नमक, रेड मिर्च, हल्दी, लेमन का रस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन लिया, इसको छान के अच्छे से साफ कर लेना। उसके बाद नमक, थोड़ी सी रेड मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और जो मसाला हमने तैयार किया था वो जाएगा इसमें। अब इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। पानी बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं करना हमने। इस तरह बेसन को हम तैयार कर लेंगे सारे मसालादार डाल के। और अब हम फिश को बेसन लगा के फ्राई करेंगे। अब फिश को हम बेसन लगा के फ्राई करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करेंगे साइड चेंज। माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त फिश तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही करारी फिश हमारी तैयार हुई है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सदा सलामत रखे, और आपके सर पर अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।